बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर चंडीगढ़ से शिकायत सुनने पहुंचे अधिकारी और शिकायतकर्ताओं के बीच हुई गर्मागर्मी। समस्याओं का समाधान न होने से ज्यादातर लोग नाराज। लोगों का आरोप, अधिकारियों ने नहीं सुना तरीके से शिकायत नहीं है समाधान की उम्मीद। इस मौके पर तिगांव से विधायक राजेश नागर, टाउन कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर टीएल सत्य प्रकाश साथ बिजली विभाग के अमित खत्री मौजूद रहे। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए कि किस तरह लोग अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचे हैं और अधिकारी उनकी शिकायतों का समाधान करने की बजाय उनको धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अधिकारी किस तरह लोगों को धमका रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो वह किस तरह सवाल को टालते हुए नजर आ रहे हैं। ये शिकायत सारे जो थे कष्ट निवारण समिति में सीएम साहब के सामने आए थे, तो फिर उनके तरफ से आदेश था कि मैं और बिजली विभाग के MD DHBBN है विश्रामित खत्री, हम दोनों को बताया गया था कि हमें आके इनको निपटारा करना है। तो फिर आज हमने आके करीब 18 जो सोसाइटीज़ हैं उनकी बातें सुनी और काफ़ी सारे इश्यूज जो बिजली विभाग जो सुधार कर रहा है उसके पार्ट है वो अमित खत्री जी बता रहे हैं। इस तरह के कुछ लोग नाराज भी नजर आए थे, कुछ लोगों का आरोप था कि बिल्डर सुन नहीं रहे हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, काफी नाराज नजर आए। वैसा वो अपने अपने मन से आए जी, उसके बारे में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं। लगातार हंगामा देखने को मिला, लोग तो शिकायतें लेके आए, उम्मीदें बहुत सारी थी सीएम साहब के आदेश से, करेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं संतोष नजर नहीं आए। आप सही बाहर निकले हैं तो दिक्कत लोगों को नजर आ रही है।